शुरू करते हैं। ओके okay. अंधेरा तो नहीं है सर। नहीं नहीं बराबर है, ठीक है ठीक है, लाइट ठीक है। ओके जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। किसानों के विरोध वाले 3 अध्यादेश जून के महीने में सरकार ने, केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उन्होंने पारित किए हैं, और उसको लेकर सारे देश भर के किसान जो है वो आंदोलित हो उठे हैं। ये सरकार किसान विरोधी है, इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर हो रही है। केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं तो रास्ते पर भी कई सारे किसान उतरे हैं। हरियाणा और पंजाब राज्यों में किसानों का आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इतना ही नहीं तो बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो किसानों के इन मुद्दों को लेकर भी कमजोर होती नजर आ रही है। अकाली शिरोमणि अकाली दल की एक सांसद जो कि मंत्री है केंद्र में, उन्होंने कल इस्तीफा दिया है, और इसी के चलते आज हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा जी है, जिन्होंने 3 चरणों में इन 3 अध्यादेशों के विरोध में आंदोलन किया है। आंदोलन क्यों किया, क्या उनकी भूमिका है, क्या उनकी डिमांड है, क्या उनकी मांग है, और ये आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ये हम आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है राम सुरेश वर्मा जी, मैं एमएन टीवी पर उनका सबसे पहले स्वागत करता हूँ। वर्मा जी स्वागत है एमएन टीवी पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो धन्यवाद आपको जी, जो 3 अध्यादेश जून के महीने में केंद्र सरकार ने पारित किए, उसका आपने चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, विरोध का कारण क्या है, किस वजह से ये विरोध हो रहा है? धन्यवाद एमएन टीवी चैनल डायरेक्टर संकेत कांबले जी। ये 3 जून 2020 को किसानों के विरोध में केंद्र की सरकार ने बिल रखा। ये बिल 3 जून 2020 को रखा गया और इस बिल के माध्यम से 2 कानून नए बनाए गए हैं। एक कानून में संशोधन करके 3 कानून, इस तरह से 3 अध्यादेश पारित है। 3 जून को ये बिल रखा गया, 5 जून को सदन से, लोकसभा से होते हुए दूसरे राज्यसभा से पास होकर के राज्यपाल जी के, राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति ने 5 जून को ये पारित कर दिया। 3 अध्यादेश हम बताना चाहते हैं कि क्या है 3 अध्यादेश, किसानों के लिए काला कानून क्या है, उस पर मैं संक्षेप में प्रकाश डालना चाहता हूं जी। संकेत कांबले जी, पहला कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के कानून में संशोधन किया गया है। 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून क्या था, इस पर हम आपको बताते हैं, लोगों को मैं बता रहा हूं। 1955 का जो कानून था, आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून 1955, एक कंट्रोल जो जीवन की आवश्यक सामग्रियां है, वस्तुएं हैं, उस आवश्यक वस्तुओं को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ये कानून था। यानी जीवन उपयोगी जितने भी वस्तुएं हैं वो अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचने का अधिकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का अधिकार, सस्ते दर पर गरीब गुरबे मजदूरों को देने के लिए एक कानून सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया था। तो मुख्य रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है, ये आवश्यक वस्तुएं क्या है, इसमें क्या चेंजिंग किया गया है, मैं बताना चाहता हूं। आवश्यक वस्तुएं में अनाज है, अनाज में मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ग्वार है, जो मोटे अनाज है, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम का मोटा अनाज है।
धान है, गेहूं है, दलहन है, तिलहन है, खाद तेल तेल है, खाद तेल भी है, और आलू प्याज, ये इतने मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुएं हैं जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रहेगा। और तमाम है, दवा है, दवा है, मसाले हैं, तमाम चीज है, साबुन साबुन है, दवा है, आयल है, तमाम चेहरे। वर्मा जी सवाल ये है कि ये जो 3 अध्यादेश लाए हैं उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? क्यों इतने बड़े पैमाने पर आपके द्वारा हम ये विरोध ही बता रहे हैं, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये नियंत्रण जो हमारा उससे वस्तु है ये उस दायरे से बाहर कर दिया गया। यानी बाहर जब कर दिया गया तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1967 में भारत सरकार किसानों के लिए कम से कम रेट पर खरीदने की जो गारंटी देती थी, यानी किसान कितनों उत्पादन करे उसको सरकार खरीदेगी, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के वजह से सरकार का गारंटी था। अब सरकार मुकर रही है, गारंटी से मुकर रही है, हम नहीं खरीदेंगे। यानी ये पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य से हमारा जब बाहर आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर हो गया, न्यूनतम मूल्य खत्म हो गया, समर्थन मूल्य खत्म हो गया, यानी किसानों से खरीदारी नहीं होगा, पूंजीपतियों के हवाले होगा, पूंजीपति खरीदेगा। तो इसलिए और इसका असर पड़ेगा कि जब सरकार खरीदेगी नहीं तो सरकारी गोदाम FCI में रखेगी नहीं, FCI में अगर नहीं रखेगी तो जो FCI में ताला लग जाएंगे, पल्लेदार हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं हमारे परिवार के, किसान परिवार के, SC ST OBC माइनॉरिटी के, ये नौकरी से भी बाहर हो जाएंगे। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो 2 रुपया 3 रुपये किलो में ये हमारे गरीबों को, हमारे भाइयों को जो गरीब बनाए गए हैं भारत सरकार के, ये भारत सरकार का गरीबी उन्मूलन नहीं चल रहा है बल्कि गरीबी बढ़ाओ अभियान के तहत गरीब बना करके पेट पालने के लिए 2-3 रुपये किलो का गेहूं और चावल देते हैं, ये भी हम नहीं मिलेगा। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं इस कानून का। और इस कानून का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये गोदामों में जो नियम गोदाम पूंजीपतियों का होता था उस पर बैंड था कि इतना ही टन आप रख सकते हो। अब सरकार ने खुला छूट दे दिया, मनमानी गोदाम में पूंजीपति रख सकता है, सरकार खरीदेगी नहीं। तो ये किसानों का उत्पादन मालों का बाजार पूर्णतया पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया इस कानून के माध्यम से। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं पूरे देश में, और अभी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कथित संगठन हो या जो भी हो, किसानों के नाम पर ड्रामा कांग्रेस करवा रही है, सारे लोग रोड पर उतर रहे हैं। जी जी, अभी हरियाणा दूसरा कानून, जी 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 हाँ, दूसरा कानून है कि कृषि उपज एवं वाणिज्य व्यापार संवर्धन एवं समर्थन अध्यादेश 2020, यानी एक राष्ट्र एक बाजार, एक राष्ट्र एक बाजार के तहत ये किसानों को कह रहे हैं मंडी फ्री कर दिए। आप अगर इस मंडी में नहीं पा रहे थे दाम तो भारत के किसी भी मंडी में, बिहार छोड़ करके, बिहार में उत्पादन मंडी समिति नहीं है, यहाँ पहले से ही लूट हो रही है। भारत में एकलौता ये राज है जहाँ उत्पादन मंडी समिति किसानों का नहीं है, तो यहाँ लूट हो रहा था। बकिया भारत में मंडी समिति की व्यवस्था है, वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य के वजह से कुछ किसानों को लाभ होता था तो कुछ होता था, पूरा नहीं होता था। मंडी में दोष था, दोष मंडी में पूर्णतया था। क्या क्या दोष था? घटतौली होती थी, कमीशन खोरी होती थी, घूसखोरी होती थी, धर्मादा धर्म के नाम पर अदायगी करवाते थे जबरदस्ती सरकार। ये कानून था धर्मादा का, कर भरो, तमाम पल्लेदारी बढ़ा कर लेते थे, पल्लेदारी के नाम पर शोषण होता था, तमाम ऐसे किस्म से वो शोषण होता था। उस शोषण के हटाने के लिए, शोषण बंद करने का वहां मंडी समिति में कोई सुधार दशमलव में नहीं लाया गया, पॉइंट में नहीं लाया गया। जैसे एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि एक ऐसा कानून है, ये कानून उसी तरह का बना है कि हमारे चेहरे पर, मुखड़े पर कालिख लगा हो
और हम शीशा पोछ रहे हो, आईना पोछने से हमारे मुख का कालिक नहीं साफ होगा, यानी धब्बा दूर नहीं होगा। इसी तरह जो एक राष्ट्र एक कृषि बाजार दिए हैं, हर मंडियों में दोष यही है, पूरे भारत की मंडियों में दोष यही है, उसमें कोई परिवर्तन चेंजिंग नहीं है, कोई सुधार नहीं है। तो एक राष्ट्र से एक कृषि बाजार से किसानों का भला नहीं होना है। यानी 94% जिसके पास जमीन है, कुछ खास बड़े तस्तम ऊंची जात के किसानों का भला होगा, और जो कारपोरेटेड घराने कांग्रेस के हैं, बीजेपी के कारपोरेट घरानों का ही भला होगा। इसलिए इस कानून को वापस लेने का हम विरोध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं पूरे भारत में। तीसरा कानून है मूल आश्वासन पर खेती का समझौता, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी जो ये भारत के 6% 85% SC ST OBC माइनॉरिटी के पास जो थोड़ा बहुत जमीन है, उस जमीन को ये जो सेज का कानून 1991 के बाद आया था, वही स्पेशल इकोनॉमी जोन को 27,000 बहुराष्ट्रीय कंपनी को लाने का करार हो गया है पूंजीपतियों और सरकार का। आने वाले वक्त में 1 से 2 साल में हमारी सारी जमीनें छीन ली जाएगी, जमीन तो छीन ही जाएगी, साथ साथ हमारा किसानों का किसानों से संबंध रखने वाले मजदूर और जो भी हमारे किसान परिवार से है, उनका घर भी छीना जाएगा, जो उस एरिया में आएगा घर भी बुलडोजर चला करके हटवा दिया जाएगा, और 8x8 पूंजीपतियों के 3 शेड में हम लोगों को गुजर बसर करना पड़ेगा। ये बहुत ही भयंकर कानून है। तो इस कानून को हम देश में लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए हम पूरे देश में 3 चरणबद्ध आंदोलन का घोषणा जुलाई में किए थे। आपने सवाल किया है कि ये क्यों कर रहे हो, आंदोलन का क्या स्वरूप था आपका, तो मैं बताना चाहता हूं, जुलाई माह में हम इसको गंभीरता से लिए और गंभीरता से लेने के बाद 3 चरणों की घोषणा किए जी, पिन पॉइंट अटैक किए कि जिसके वजह से इतना बड़ा जुर्म हुआ है उन्हीं को ही निशाना हमने बनाया और घोषणा किया। 15 अगस्त 1947 को कथित देश आजाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 को ब्राह्मणों ने इस देश में जो हैंडओवर नेहरू को सत्ता हुआ अंग्रेजों ने किया, वो आजादी हम किसानों का नहीं था, मजदूरों का नहीं था, ये हमारे संबंध रखने वाले लोगों की आजादी नहीं था, जो खेती में हल नहीं चलाते थे उन 3.5% विदेशी ब्राह्मणों का आजादी था। वो जश्न मना रहे थे, हमारे साहित्य सम्राट क्रांतिवीर अन्ना भाऊ साठे जी ने ये 16 तारीख को मुंबई प्रांत में आजाद मैदान में 1,00,000 लोगों को, बारिश झमझमाकर हो रही थी, उन्होंने नारा दिया, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। उस आंदोलन क्रांतिकारी दिवस से राष्ट्रीय किसान मोर्चा का आंदोलन 16 अगस्त 2020 से हमने पहले चरण का चलाया। पहले चरण में क्या आंदोलन का रूप था, स्वरूप क्या था, पहले चरण में 550 जिले के जिला मुख्यालयों पर हम लोगों ने ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय के द्वारा दिलाया, 550 जिलों में दिए, और उसमें लिखा गया था कि अगर 30 अगस्त तक ये कानून वापस नहीं होता है तो 31 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन हमारा होगा, और 31 राज्यों के 550 जिलों के जो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य है, जिनके मौजूदगी में कानून बना और ये विरोध तक नहीं किए, मुंह तक नहीं खोले, तो इन वोट हमारे किसानों के लेने वाले जो 543 सांसद है, यही हमारे दुख के कारण है। सही, इनका हमने पुतला दहन का आंदोलन का आगाज पूरे भारत में किया और बड़े पैमाने पर हमारा आंदोलन सफल हुआ। 543 सांसदों का हमने पुतला दहन गांव से लेकर चौराहों पर
खेतों में जिला मुख्यालयों पर हमने पुतला दहन करवाया और प्रशासन रोक नहीं पाया, कामयाब हुए। कहीं भी कोई खरोच नहीं आया, आखिरी घटना भी हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी घुमंतु तक का हमारे संगठन में लोग है, ये अनुशासित संगठन है। नियंत्रण में अनियंत्रित सरकार को लेने के लिए हमने संगठन देशव्यापी बनाया है। अनियंत्रित सरकार नियंत्रित रूप से हमारे खिलाफ कानून बना रही है कोरोना महामारी के पीरियड में, तो ये पहला आंदोलन हमारा बहुत ही सफल रहा, दूसरा सफल रहा, पहला सफल रहा दूसरा, और तीसरे चरण का हमारा आंदोलन, दो सदन हमने बताया, लोकसभा है राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का काम ये 4100 के लगभग विधायक करते हैं, विधायक को वोट हम लोग देते हैं, विधायक बन जाते हैं, विधानसभा के सदस्य हो जाते हैं, तो यही राज्यसभा का सदस्य चुनते हैं, 37 विधानसभा के सदस्य एक राज्यसभा सदस्य चुनते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, ये ज्यादा राज्यसभा सभा सदस्य चुनते हैं, 245 राज्यसभा सदस्य है, कोई भी कानून बनता पहले लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तब रबड़ का स्टैंप लगता है। तो ये राज्यसभा वालों ने भी हमारी आवाज अनसुनी कर दी, यानी किसानों के खिलाफ कानून पास करवाने में सहयोग किए, तो हमने विधायकों का तहसील भारत के 500 जिलों में आने वाले तहसील मुख्यालयों पर ही नहीं, भारत तहसील क्षेत्र में आने वाले 13 गांव को हमने टारगेट रखा था, हम पुतला गांव में भी जलवाए और लोग तहसील मुख्यालय पर जलवाए बड़े पैमाने पर। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा सहित लोकल अखबारों में छापा और लोकल टीवी चैनलों पर चला, सोशल मीडिया पर तो साथियों ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय किसान मोर्चा छाया रहा। हम आभार व्यक्त करते हैं सोशल मीडिया के, यवन टीवी चैनल का, बिहार न्यूज का, बिहार यवन न्यूज का, उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल यवन न्यूज का, सारे लोगों ने कवरेज किया और तमाम सोशल मीडिया पर चलने वाले चैनलों ने खबर प्रकाशित किया, हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसका असर इतना रहा कि पंजाब का जो कौर जी है, मंत्री है, उन्होंने रिजाइन दे दिया, विधायक रिजाइन दे रहा है। अभी ये तो हमने टेलर दिखाया, अभी आने वाला जो आपने पूछा आगामी आपका क्या होगा रणनीति, अध्यादेश नहीं वापस हुआ लेकिन सरकार सिकुड़ गई है, मोदी जी का 56 इंच का सीना राष्ट्रीय किसान मोर्चा के आगे सिकुड़ गया है। अभी ये कृषि मंत्री तोमर जी कहे ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू रहेगा, समर्थन मूल्य पर खरीदवाएंगे, ये जुमलेबाजी थी, नितिन गडकरी बचाव में आए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू रहेगा, खरीदारी होगी, उन्होंने कहा। लेकिन हम लोगों ने सवाल पूछा इनके कार्यकर्ताओं से, जब आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया गया है तो मूर्ख क्यों किसानों को बनाते हो, जब समर्थन मूल ये आवश्यक वस्तु अधिनियम से निकाल दिया गया तो खरीदारी का कोई प्रश्न ही नहीं है, मूर्ख मत बनाओ। फिर ये लोगों की हवा निकाल लिए तो मोदी जी आगे ट्यूट उन्होंने किया कि कुछ भारत की शक्तियां, नाम नहीं लिया, नमेश्राम साहब का नाम लिया, भाम सेब का नाम नहीं लिया, राष्ट्रीय किसान मोर्चा का नाम नहीं लिया, बहुजन क्रांति मोर्चा का नाम नहीं लिया, और साथियों बहुजन मुक्ति पार्टी भारत की एकलौती विपक्ष की पार्टी नेशनल स्तर की है, उसका भी हमें समर्थन था, सैकड़ों संगठनों का समर्थन था, गांव गांव में जब ये सांसद विधायक जलने लगे तो ये गांव में ये चर्चा पूरे भारत में हलचल मच गया। तो मोदी जी घबरा करके ट्विटर पर आए, उन्होंने ट्वीट अपने ट्विटर पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कुछ शक्तियां किसान भाइयों को
भ्रमित कर रही है, भ्रमित कर रही है। है देश के किसान भाई बहनों, हम आप लोगों का समर्थन मूल्य नहीं खत्म किया है, समर्थन मूल्य पर हम खरीदारी करवाएंगे। उनके ट्विटर में घुसकर, उनके घर में घुसकर हमने रिप्लाई दिया, रिप्लाई हमने दिया कि मोदी जी आप कह रहे हो कि भ्रमित कर रहे हैं, जुमलेबाजी तो आपका काम है, देश में जुमलेबाजी फेंकना आप कह रहे हो, समर्थ आपका कानून अच्छा है, मैं मानता हूं कि आपका कानून अच्छा है, ऐसा आप बोल रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा मान रहा हूँ, मान नहीं रहा हूँ लेकिन आपका थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ कि तुम्हारा कानून अच्छा है। अरे अच्छा तब होता जब किसानों के उत्पादित मालों को किसानों के गांवों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी करवाते हर किसानों का, यानी छोटे किसानों का, पहले मझले किसानों का, छोटे किसानों का, मझले किसानों का, हर किसानों का उनके गांव में खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करवाते और प्राइवेट सेक्टर से न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर उनके घर पर उनके गांव से खरीदवाते, तो मैं जानता कि तुम किसानों के हिमायती हो, तुम तो पूंजीपतियों को औने पौने दाम पर खरीदने के लिए ठीका दे दिए हो इस तीनों कानून के तहत। अभी 1935 रुपया क्विंटल का गेहूं का समर्थन मूल्य था 1 अप्रैल से लेकर जून तक, तो खरीददारी करवाए नहीं, बहुत कम करवाए। अभी जब तुम खरीददारी करवा करके गोदाम में नहीं रख पाए, मध्य प्रदेश का गेहूं सड़ गया, सड़ाए तू और रोक लिए भुगतान किसानों का। वहां हमारे आंदोलन की वजह से किसानों को भुगतान करना पड़ा, पहली उपलब्धि है। और साथियों ये जो हमारा आंदोलन चला, मोदी हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लोकसभा से चुना ईवीएम मशीन से नाजायज जीते, वहां हर तहसील में हमने पुतला जलाया और पूरे भारत में सबसे बड़ा पुतला वाराणसी में बना करके जलाए, इनकी पुलिस रोक नहीं पाई, इनका मिलिट्री पैरा मिलिट्री नहीं रोक पाया। तो ऐसा हमने किया तो हलचल मची, मोदी को डर लगा और भाजपा की केंद्र की सरकार को बचाने के लिए ये कांग्रेस टपक पड़ी है। भाजपा को बचाने का काम कांग्रेस उसके बचाव आ चुकी है। कांग्रेस को मालूम है कि ये मेरा नाती भाजपा अब टिकने वाला नहीं है, कांग्रेस तब की नानी है। कांग्रेस ने आरएसएस बनाया, आरएसएस ने भारतीय जनसंघ बनाया और भारतीय जनसंघ 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बनाया, तो इसलिए कांग्रेस की नातीन है, नातीन भाजपा पार्टी। ये भाजपा पार्टी नहीं है, जनता भारतीय है, जनता पूरा भारतीय है और इसका नेतृत्व विदेशी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी, जनता तो भारतीय है लेकिन शासक विदेशी है, मोहन भागवत के इशारे पर चल रहा है। और मोहन भागवत का आरएसएस पैदा करने का काम कांग्रेस करती है, देश में जो सरकार बनता है कांग्रेस आरएसएस के इशारे पर बनता है। राह चलते ही खट्टर को बना दिया मुख्यमंत्री, पारिकर को बना दिया मुख्यमंत्री, तो ये राह चलते कांग्रेस और आरएसएस की मर्जी पर मुख्यमंत्री देश में बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते। तो कांग्रेस इस समय आंदोलन के तपस में, ये लोग जल रहे हैं सांसद विधायक और राहुल गांधी सोनिया को लेकर विदेश चले गए हैं और अपने लोगों को, ये हमारे लोगों को गुमराह करके, जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के दलाल भरुए हैं इनको पैसा देने का काम कांग्रेस कर रही है किसानों को गुमराह करने के लिए। ये कथित किसान संगठन को आला करके रोड पर लाठी डंडा हमारे मूल्यवासी किसान को चलाया जा रहा, ऊपर एक भी ब्राह्मण का कपार नहीं फूट रहा, एक भी छात्र क्षति जो अपर कास्ट के लोग हैं इनका कोई वो बाहर रहते हैं। ललुआ समाज हमारा यानी बाडी हमारी है
और बॉडी में आईक्यू ब्राह्मणों का है, दिमाग ब्राह्मणों का है, इसलिए हमारे लोगों का गंदा सोच पैदा करके मिसयूज करने का काम कर रहा है राष्ट्रीय किसान मोर्चा, मैदान में डट गया है। अभी तो एक ट्रेलर हम दिखाए हैं, फिल्म तो रिलीज हो रही है, फिल्म दिखाई जाएगी 24 अक्टूबर 2020 को, पहली फिल्म हमारी रिलीज हो रही है। वो उसका नाम क्या हमने रखा है, कमेरा किसानों की दहाड़, कमेरा किसानों की दहाड़। 24 अक्टूबर को पूरे देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के कमेरा किसान राज्यसभा के सदस्यों का भारत के गांव में, भारत के 31 राज्यों के 550 जिला मुख्यालयों पर चैलेंज के साथ पुतला दहन करवाऊंगा। अभी तो लोकसभा के सदस्यों का जलवाए हैं, दूसरा जो सदन है राज्यसभा, उसके राज्यसभा के सदस्यों का जो 245 है ऑल इंडिया में, लगभग 245 से कुछ अधिक है, ऐसे 245 राज्यसभा के सदस्यों का साथियों पूरे देश के गांव में जलवाऊंगा और जिला मुख्यालय पर चैलेंज के साथ चौराहों पर कस्बों में जलवा करके मोदी जी को चैलेंज दे दिया हूँ, तुम्हें रुकवाना हो तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के आंदोलन को रुकवा कर दे। नहीं रुकेगा राष्ट्रीय किसान मोर्चा का आंदोलन, आजादी तक खरोच तक नहीं आने दूंगा। मेष राम साहब का गाइडलाइंस है, नियंत्रण निर्देशन मेष राम साहब का है, नेतृत्व हमारा है, हमारे कुशल नेतृत्व में एक भी किसानों के ऊपर एक गाली नहीं कोई देगा। डंडा मारना दूर है, गोली तो बहुत दूर की बात है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इनके गोली को गोली से ही कंट्रोल करके इनका राइफल, इनमें लगी गोली सब एक 47 नीचे गिरवा दूंगा। तो ये गली कूचे का संगठन नहीं है, ये सूझबूझ का संगठन है, जन में जागृति ला रहा है, पूरे देश में ये हलचल मचा दिया है। ताकत के साथ हमने समुद्र में पत्थर फेंका है, पूरे समुद्र के किनारा कट रहे हैं। अभी ये दूसरे चौथा चरण होगा, जो ये 3 चरण का घोषणा प्रस्ताव चला गया है, 100% 3 है, कल तक पास हो जाएगा। और जो 5वां चरण होगा, ये 5वां चरण 25 नवंबर को होगा, 25 नवंबर होगा, वर्क डे पर होगा, और पूरे देश के गांवों में हर चौराहों पर, हर चौकों पर, हर चौकियों के सामने एक प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी का पुतला दहन करवाने का काम पूरे 6 लाख गांवों में करवाने का सतत प्रयास मेरा जारी है। इन्होंने कानून ला करके सत्यानाश किया है, तो पूरे देश के हर गांव में, हर चौराहे पर, 550 जिला मुख्यालयों से अधिक जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदर दास मोदी का पुतला दहन करवाएगा। और कानून वापस नहीं लिए तो 8 जनवरी 2021 को बहुत बड़ा हंगामा होगा, जो हंगामा महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बहुत नौटंकी थे वो, नंगे थे तो हम कुर्ता धोती गमछा पहनकर उनसे बड़ा ड्रामा करवाने वाले। ये जो हमारा 6ठा आंदोलन होगा वो जेल भरो आंदोलन होगा, 3 महीने 10 दिन की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, हर 6 लाख गांव में तैयारी करवा रहा हूँ, हर जन जन में ये आवाज जाएगा। और हमारे मूल निवासी कमेरा परिवार को जो तड़पा रहे हैं, किसानों की आत्महत्या करवा रहे हैं, किसानों के बेटी बेटा से का आत्महत्या करवाने पर विवश कर दिए, और भी जितनी भी आत्महत्या हुई है पूरे भारत में, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई, इंटरनेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई, उस नेशनल क्राइम ब्यूरो, इंटरनेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में ये आंकड़ा आया है कि 18 साल से 30 साल के बच्चे
पूरे आत्महत्या में 67% कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 18 साल, जिसने 18 साल से 30 साल तक पढ़ लिख करके मेहनत करके इनकी यूनिवर्सिटियों से डिग्री हासिल करके टॉप मेरिट लाया, उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है। अवसर ना मिलने की वजह से वो बच्चे जब घर आते हैं तो घर के लोग भी उन्हें थोड़ा उल्टा सीधा का देते हैं, तो वो तो इतना ज्यादा उनके ब्रेन पर वार हो रहा है, उनके ब्रेन पर चोट किया जा रहा है, ब्रेन का वार झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए 18 से 30 साल के बच्चों ने आत्महत्या किए। वो किसके बच्चे हैं? वो हमारे किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, बुनकरों के बच्चे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे। आज हमारा कर्मचारी अधिकारी हमारे परिवार से फुले जी, साहू जी, बाबा साहब का 108 वर्ष का जो आंदोलन चला, ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्ति का आंदोलन चलाया गया, आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ज्योतिराव फुले लागू करने वाले साहू जी महाराज, और पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जो अधिकार मिला, वो अधिकार ये नरेंद्र मोदी दास मोदी छीन रहा है। कोरोना ने आपदा ने अवसर ढूंढ लिया, तो हमने सोचा ये लोग करते हैं, कोरोना में राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं, कोरोना पीरियड में भी मध्य प्रदेश की सरकार गिराई जाती है, मध्य प्रदेश की सरकार बनाई जाती है, हर काम इनका कोरोना पीरियड में हो रहा है, क्यों न राष्ट्रीय किसान मोर्चा कोरोना भगाने के लिए पूरे देश में ये आंदोलन छेड़ दे। गारंटी देता हूं पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के कमेरा परिवारों को कोरोना को भगाने का एक ही रास्ता है, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। आंदोलन के आगे एक कोरोना भारत में टिकेगा नहीं, एक कोरोना सात समुद्र पार से हवाई जहाज से आया, बड़े सम्मान से आया, झोंके से जाएगा। वर्मा जी आपकी बात पहुंच गई है हमारे पास और हमारे दर्शकों के पास। तो ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा जी थे, जिन्होंने किसानों के विरोध वाले जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने लाए है उसका देशव्यापी विरोध किया। 3 चरणों में उनका आंदोलन हुआ है अभी तक। आगे के 3 चरणों की उन्होंने जानकारी दी कि उनका आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो ये राम सुरेश वर्मा जी थे, हम MNTV की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया और इतनी मूल्यवान जानकारी हमें दी है। शुक्रिया।